ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना हंसविहार की। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और इंसाफ के लिए प्रदर्शन करते ये सफाई कर्मचारी हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए इंसाफ की गुहार लगाते ये सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष और नेतागण हैं। आपको बताते चलें कि हंसविहार इलाके के प्रताप नगर सबोली में सुबह जब सफाई कर्मचारी सफाई करने गए तो उन्होंने कूड़ा नाली से बाहर निकाला तो एक दुकानदार ने कूड़ा सड़क पर न डालने की बात कहकर सफाई कर्मचारियों के साथ हाथापाई और गालू गलौज शुरू कर दी। लड़ाई इतनी भयानक हो गई कि दुकानदार के परिवार वालों ने सफाई कर्मचारियों की महिलाएं और पुरुषों की जमकर डंडों और सरियों से पिटाई कर दी, जिसमें दो महिलाओं के हाथ टूट गए और पुरुष गंभीर रूप से घायल है। इसी के चलते सफाई कर्मचारियों के नेतागण और अन्य यूनियन इंसाफ के लिए हंसविहार थाने का घेराव कर इंसाफ मांग रहे हैं। दुख की बात है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मैं संजय गहलोत बोल रहा हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में हमारी महिला कर्मचारी, हमारे पुरुष कर्मचारी जो पिछले 20-20 साल से पक्के भी नहीं, परमानेंट भी नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी वो अपना एक निर्वाह कर रहे हैं, अपने जो रिहायशी लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, सुबह की बात है 8 बजे की, हमारी जो शशि नाम की महिला कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने जब जा रही थी तो वहीं के जो रिहायशी दुकानदार हैं उनसे कहा सुनी हुई, क्योंकि महिला जो कूड़ा इकट्ठा करेगी उसको बाद में उठा ले जाएगा। भाई कूड़ा अपने घर से थोड़ी लेके आते हमारे कर्मचारी, कूड़ा जो नालियों कूड़ा होता है, सड़कों कूड़ा, उनको एक जगह पहले इकट्ठा किया जाता है उसके बाद उसको उठा ले जाता है। लेकिन उन्होंने बहुत बदतमीजी की, महिला कर्मचारी के साथ मारपीट की है। और बड़ी दुख की बात है कि ऑन ड्यूटी एक महिला कर्मचारी के ऊपर, जो हमारे वाल्मीकि समाज की महिला है, उसके ऊपर कुठाराघात किया गया। कर्मचारी उसको बचाने के लिए पहुंचे, उसकी सपोर्ट में जब आए तो उल्टा उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया गया। अब वो महिला इतनी गंभीर अवस्था में है, जीटीबी हॉस्पिटल उसका मेडिकल हो चुका है, लिहाजा उसको ट्रॉमा सेंटर में रेफर भी कर दिया गया है। और जो हमारे कर्मचारी है वो उनकी एमएलसी हो रही है, उनमें से जो उनके कंसर्न जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन बाकी 5-6 लोग जो हैं वो अभी तक फरार हैं। हम पुलिस से ये गुहार करना चाहते हैं, थाने के सामने लोग बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं तो इस पूरे वार्ड के अंदर, इस पूरे वार्ड को छोड़े पूरे शारदा नॉर्थ हो, शारदा साउथ जोन हो, पूरी तमाम पूरी दिल्ली में ताला लगा दिया जाएगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं उन्हें भारी से भारी मुकदमा लगाया जाए। और SC ST एक्ट के तहत जो पासी समाज के लोग हैं, किसी भी समाज के लोग, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन हमारी महिला कर्मचारी से बदतमीजी हुई है, उनको जो अपमानित शब्द कहे गए, जो जाति सूचक शब्द कहे, उनके ऊपर SC ST के खिलाफ मुकदमा भी होना चाहिए। कुछ मौके स्थानीय निवासियों ने जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे उनके साथ में हाथापाई की, मारपीट की, यहाँ तक कि सरिये और चाकू से भी उनके साथ हमला किया है। और बात ये थी कि कर्मचारी वहाँ पर कूड़ा निकाल था उसके लिए कि भाई हमारे पे कूड़ा मत निकालो। मैं आपके माध्यम से या जो सरकार की निगम है पॉलिसी के तहत मैं पूछ जाता हूँ, कर्मचारी यहाँ कहाँ ले जाएगा कूड़ा, अपने घर से कूड़ा लेकर नहीं आता हूँ। तो कम से कम सरकार को सोचना, स्थानीय निवासी को सोचना, क्या कहना चाहते हैं, जो भी कार्रवाई होती है निगम के तहत, कानून के तहत वो कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका इंसाफ मिलना चाहिए। अभी अध्यक्ष साहब ने कहा कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनसे सहमत हूँ, अगर कार्रवाई होती तो फिर हम हंगामा क्यों करेंगे? अगर ऐसी होती कार्रवाई तो हमें उनका पुलिस प्रशासन पर विश्वास है और हम भी चाहते हैं कि उनके साथ खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले के चलते पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं पीड़ित पक्ष भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार पुलिस बाकी अब आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता अमित सागर की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त,
मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।